राजनीति में अपराधियों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने संसद और भारत के चुनाव आयोग से कहा है कि अपराधियों को राजनीति से हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और उसमें और राजनेताओं व नौकरशाहों के बीच अपवित्र गठजोड़ को तोड़ा जाए। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने बसपा सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस दिशा में उचित कदम उठाने को कहा है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग और संसद ने ऐसा करने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है। दरअसल बसपा सांसद अतुल कुमार सिंह अपने खिलाफ दर्ज केस को वापस करने के लिए पीड़िता और उसके गवाह पर नाजायज दबाव बनाने के आरोप में जेल में बंद है। उनके दबाव के कारण पीड़िता और उसके गवाह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या की कोशिश की थी। गंभीर अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पहले बाहुबली और अपराधी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को समर्थन प्रदान करते थे, लेकिन अब तो ये स्वयं राजनीति में आते हैं और पार्टियां उनको बेचिचक टिकट भी देती हैं। कोर्ट ने सिविल सोसाइटी से कहा कि उन्हें जाति और धर्म से ऊपर उठकर ऐसे आपराधिक छवि वाले नेताओं को नकार देना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड ने एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगी हैं। कन्हैया लाल के बेटे के बयानों के आधार पर एनआईए ने केस दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि 28 जून को कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्यारे रियाज अतारी और गौस मोहम्मद कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान में घुसे थे। इस दौरान जब कन्हैया लाल नाप लेने आया तो आरोपियों ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। घटना में दुकान में काम करने वाले दो कर्मचारी भी घायल हुए हैं। मामले में अपराधियों के खिलाफ धारा 452, 153A, 153B, 295A और 34 के अलावा UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। हमलावरों ने हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल किया कि देश भर में लोगों में दहशत और आतंक का माहौल पैदा किया जा सके। केंद्र सरकार ने अपराध की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को घटना की जाँच करने के आदेश दिए थे और अब एनआईए के एसपी रवि चौधरी मुख्य जांच अधिकारी के रूप में मामले की जांच कर रहे हैं। गैस कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा किया है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 1053 रुपये के रेट से मिलेगा। इसके अलावा कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1079, मुंबई में 1052.50 पैसे और चेन्नई में 1068.50 रुपये हो गया है। पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दाम दिल्ली में 200 रुपये प्रति सिलेंडर से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक साल में यह रेट 834.50 रुपये से बढ़कर आज 1053 रुपये आ चुका है। इससे पहले 19 मई 2022 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 4 रुपये का इजाफा किया गया था। 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ गए हैं और इसमें भी 18 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में कटौती की गई है। इससे पहले 1 जुलाई को भी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 198 रुपये घटाए गए थे और अब 8.50 रुपये कम करने के बाद दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर्स 2012.50 रुपये और कोलकाता में 2132 रुपये, मुंबई में 1975.50 रुपये और चेन्नई में 2177.50 रुपये हो गया है। दिल्ली सरकार की नफा नुकसान पर सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में पेश किया। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का कर्ज पिछले 4 साल में 7% बढ़ गया है, हालांकि रेवेन्यू सरप्लस बनाए रखा हुआ है। रिपोर्ट में पेश किए गए आंकड़े 2019-20 तक के हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में कर्ज 32,497.91 करोड़ रुपए था, जो कि 2019-20 के आखिर में 34,766.84 करोड़ रुपए हो गया। मतलब इसमें 2,268.93 करोड़ रुपए
यानी 6.98% का इजाफा हुआ। जबकि रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू सरप्लस 2019 से 20 में 7,499 करोड़ रुपए रहा, जो दिखाता है कि राजस्व के खर्च के हिसाब से सरकार पर पर्याप्त पैसा है। सीएजी की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। यह आम आदमी पार्टी की सरकार की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी पर खर्च बढ़ा है। जैसे कि 2015 से 16 में सब्सिडी पर दिल्ली सरकार 1,867.61 करोड़ खर्च करती थी, जो कि 2019 से 20 में बढ़कर 3,592.94 करोड़ हो गया है। 4 साल में यह 92.38% बढ़ गया है। वहीं 2018 से 19 के मुकाबले यह बढ़ोतरी 41.85% है। सीएजी रिपोर्ट में डीटीसी बस सर्विस पर भी बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 से 20 में दिल्ली राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को जो नुकसान हुआ है उसमें 99% हिस्सेदारी डीटीसी की थी। मतलब डीटीसी दिल्ली सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। हिमाचल के कुल्लू की मणिगढ़ घाट की चोज इलाके में बादल फटने से आफत आ गई। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के कारण नाले के साथ लगे हुए घरों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। बादल फटने से मणिकर्ण में टूरिस्ट कैंप भी डैमेज हो गए हैं। इसके अलावा गाँव की ओर जाने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों ने इस बारे में कुल्लू प्रशासन को भी सूचित कर हादसे की जानकारी दी। वहीं हिमाचल के कई जिलों में लगातार बारिश से जगह जगह भूस्खलन और नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। शिमला के ढली टनल के पास भी भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। दरअसल पूरे देश में मानसून आ गया है, ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। अगले 4 दिन भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके चलते पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक मुसीबतों का अंबार लग गया है। मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान में महंगाई आसमां छू रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 248.74 रुपए प्रति लीटर हो गई है। साथ ही हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए और केरोसिन ऑयल की कीमत में 18 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल पाकिस्तान में अब 276.54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। साथ ही केरोसिन ऑयल अब 223.26 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आजकल पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। विद इन मंथ जो है ना, इसका रेट मोर देन विद इन 2 मंथ्स के अंदर ये 100+ इंक्रीज़ हुआ है रेट, जिस वजह से हमारी सेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है। आवाम का पेट्रोल फ्यूलिंग की तरफ से थोड़ा सा कम फ्यूलिंग करवा रहे हैं। महंगाई आपके सामने ही है, दिन ब दिन हर चीज़ बढ़ती जा रही है। हम एक दफ़ा जाते हैं कुछ लेने तो एक दफ़ा और रेट होता है, दूसरी दफ़ा और रेट होता है। हर बंदा परेशान है इस बात से, आप खुद भी परेशान होंगे। शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में 4थी बार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने रुके हुए $6 अरब के बेल आउट पैकेज के फिर से शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर यह फैसला लिया है। IMF ने बेल आउट प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर लेवी लगाने जैसी सख्त शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थी। पेट्रोल महंगा होगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएगी और एक नया तूफान आ रहा है महंगाई का, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में भी कुछ सोचे कि गरीब आवाम की आगे परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, तो इस पेट्रोल का जो बम गिरा है इससे तो एक नया जो है वो तूफान आ गया है। IMF ठीक है, IMF की शरायत हैं, लेकिन कुछ गरीब आवाम का भी सोचना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि IMF ने बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी की शर्त पाकिस्तान के सामने रखी है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत हो रही है। वर्तमान सरकार पूर्व सरकार के सिर पर महंगाई का ठीकरा फोड़ रही है, जबकि विपक्षी दल पाकिस्तान की नई नवेली शहबाज सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं।
पाकिस्तान हुकूमत ने पिछले 20 दिन में पेट्रोल की कीमतों में कम से कम 106 रुपए का इजाफा किया है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, चीज़ें महंगी। अवाम का कहना है कि इस हुकूमत ने उनके ऊपर मुश्किलों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.